ये है साउथ इंडियन डोसा, ये मुजफ्फरनगर के बहुत ही ज़्यादा फेमस साउथ इंडियन डोसे वाले हैं। इनका पहले रेडी लगता था, रेडी बोले तो कार्ट लगता था, और कार्ट से इन्होंने अपना शो किया है। वाओ, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं ये, मतलब इनका कार्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद ये इन्होंने अपनी शॉप की है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल साउथ इंडियन डोसा। तो ये आपके सामने बन रहा है डोसा, तो आप देख सकते हैं सब टेंटों ने इनका जो लगता है ऑयल वो लगा दिया है, और इतने खूबसूरत तरीके से भैया बना रहे हैं। तो ये आ गया है इनका, भैया क्या क्या होता है इसके आलू के अंदर? आलू और मसाला, आलू और मसाला। भैया आप देख सकते हैं आलू और मसाला किस तरीके से फिलिंग हो रहा है, ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फिलिंग कर रहे हैं। और ये लास्ट वाले भैया फिलिंग जा रहे हैं, इससे ब्यूटीफुल तरीके से भैया बना रहे हैं। वाह, क्या कटिंग उन्होंने सभी की है। अब ये देखिए रोल होगा, वाह वाह वाह, तरीके से फास्ट तरीके से भैया बना रहे हैं। पूरा का पूरा जो क्लीन हो गया है, और इसे क्लीन करेंगे। अब इसके बाद यही प्रोसेस जो है वो दोबारा से चालू हो जाएगा। पनीर डोसा कौन सा अभी है इसमें से? ये वाला अभी ये कौन सा बन रहा है? ये तो मसाला ही है, सारे मसाला, एक ओनियन। तो ये वाला डोसा जो है ये ऑनियन डोसा है, और ये दोनों डोसे जो है ये मसाला डोसा है। मसाला तो भी इसमें भी लगा दिया, थोड़ा बहुत लगाया थी, ये थोड़ा बहुत इसमें मसाला लगता है, और जो लगता है अब ये देखिए इसमें ऑनियन आ गया, केवल ऑनियन, आप देख सकते हैं ऑनली ऑनियन आ रखता है। और ये इसके अंदर आ गया आपका टमाटर आ गया, ये पनीर आ गया आपका, और ये आपका धनिया आ गया, बाद में धनिया डाला है, खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं। सेकंड भी आप देख सकते हैं ये बन रहे हैं इनके मसाले। बंदा है पूरा कैमरे की तरफ।
तो भैया मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं भैया, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से भैया ने मोड़ा घुमाया, आप देख सकते हैं कितने आप कितना भैया सो इनका भैया का आप ये शॉप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल इनका शॉप है। ये जो है ये हमारे लिए है, ये ऑर्डर हमारा है। सो आप देख सकते हैं प्लेन डोसा 40 रुपये, ओनियन डोसा 70 रुपये, मसाला डोसा 50 रुपये, पनीर डोसा 100 रुपये। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है और कितना देखिए कितना ज़्यादा इनका ब्यूटीफुल और सुंदर है। वाह, ये यहाँ पे हैं, हाँ जी। और ये भैया हैं जो ओनर है, जिन्होंने एक छोटे से कार्ट से स्टार्ट किया था, आज ये पूरा का पूरा शॉप मुजफ्फरनगर का इनका है। और आप देख सकते हैं जिस एरिया में ये शॉप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा एरिया है, और जिस एरिया में इन भैया का शॉप है, वाह, हाथ वगैरह धोने की भी काफ़ी अच्छी से इन्होंने सुविधा की हुई है। वो सामने देखिए, मतलब कार्ट से स्टार्ट किया था, सामने ही कार्ट लगा हुआ है और अंदर ये खाने पीने की सुविधाएँ हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा सर्फिंग होता है इनका। आप देख सकते हैं ये आ जाते हैं इनका सांभर, वाह कितने ब्यूटीफुल तरीके से दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो यहीं से इनके सांभर के ऑर्डर आते हैं। ये आप इनका पूरा देख सकते हैं कार्ड, ये सांभर आ जाता है इनका। यहाँ पे इनकी डोसा मेकिंग होती है, यहाँ पे इनकी फिलिंग रखी हुई है सारी की सारी। सामने कस्टमर आ जाते हैं आपके, ये इनके ओनर होते हैं और यही है आपका पूरा का पूरा इनका शॉप है। देख सकते हैं हमारे ठीक सामने आ गया है ओनियन पनीर डोसा। सो ये है इनकी सांभर, ये इनकी नारियल चटनी आ जाती है। वाओ, तो चलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा इसका टेस्ट रहता है। सो ये पूरी की पूरी प्लेट जो है आप देख सकते हैं हमारे सामने आ गई है, और आइए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं किस तरीके से इसका टेस्ट रहता है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा है इसके अंदर है। तो ये लगा लिया इनका चटनी टोमेटो की, ये सांभर और ये नारियल चटनी भी इसमें एक साथ ही लगा लेते हैं। सो आइए देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। ओ भाई ये तो खतरनाक है बाबा। सो ऐसे ही ये फेमस नहीं है, ऐसे ही इन्होंने छोटे से कार्ड से स्टार्ट करा और ये इतनी बड़ी शॉप के जो ओनर बन चुके हैं, ऐसे नहीं बने। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी क्वालिटी दी है, क्वालिटी के साथ अपना कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी है। खाने में इनका मज़ा आ गया एकदम से, अलग ही लेवल का इनका एक टेस्ट है। अभी तक मैंने एक ही बाइट ली है और टेस्ट पूछो मत, एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है। तो दूसरी बाइट लेते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। ओनियन प्याज एकदम अलग ही कॉम्बिनेशन, और पनीर का जो टेस्ट आ रहा है ना बाद में, घमासान टेस्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे ये इनके कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ पे पूरी सर्विस वगैरह करते हैं। तो चलिए इस प्लेट को देख सकते हैं, भारी भरकम प्लेट, इसको पूरा फिनिश कर लेते हैं, और फिनिश करने के बाद मिलते हैं आपसे। वीडियो में बने रहिएगा, और आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो यार। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपके भाई का चैनल है, आपका अपना चैनल है। भाई इसके अंदर ना स्टफिंग भर भर के पड़ी हुई है, भर भर के मतलब ना भर भर के मतलब पूरा भर रखा है स्टफिंग के साथ। सो देखिए आप कितना ज़्यादा स्टफ, पूरी भरी हुई है स्टफिंग। ये इनका सांभर, डिलीशियस सांभर, एकदम डिलीशियस सांभर है, और स्टफिंग आप देख सकते हैं पूरी भरा, देखिए किस तरीके से बाहर निकल रहा है इसके अंदर से। टेस्ट में एवन, सब कुछ एवन, और स्टफिंग एकदम भरमार। तो यहाँ ये विजिट कीजिए यार ब्रो, यहाँ आइए, इस भाई ने इतनी मेहनत करके ये सब बनाया है, आना तो बनता ही है मुजफ्फरनगर के लोगों।
और यूपी के लोगों और पूरे इंडिया के लोगों सबको आना पड़ता है। तो चलिए पूछते हैं इनसे, भैया से, इनका एक छोटा सा कि क्या इनका पास रहा है, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया है, किस तरीके से यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से ऊपर आए हैं, तो पूछते हैं इनसे भैया से। तो भैया आपका नाम क्या है? जगदीश। तो जगदीश भाई, ये आप इसकी कार्ड की हिस्ट्री के बारे में बताइए, आपने कहाँ से शुरुआत की थी जो आपने इतना बड़ा शॉप लिया है? ये टाउनहॉल से शुरू करा था, एसजी मार्केट से। तो यानी कि झांसी किरानी टाउनहॉल से आपने स्टार्ट किया था, वहाँ पे छोटे छोटे कार्ड लगते हैं, वहाँ पे आपने डोसा बनाना स्टार्ट किया था। तो आपने स्टार्ट किया था, आपके पिताजी ने? पिताजी ने स्टार्ट किया था। तो आपके पिताजी ने स्टार्ट किया था, तो कब से लगा रहे हैं वहाँ पे? अभी 20-25 साल हो गए। तकरीबन 30 साल हो गए हैं आपको वहाँ पे लगाते। तो आप यहाँ की सक्सेस के बारे में बताइए, तो कैसा महसूस होता है, आपने इतना बड़ा शॉप लिया है यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर और आपने यहीं से स्टार्ट किया है, ये कैसा महसूस होता है आपको? बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो आपने 30 साल मेहनत किया है, आपके पापा ने मेहनत किया है 30 साल, तो यहाँ के थोड़े प्राइस पॉइंट के बारे में बताइए आप, क्या प्राइस रखा था आपने तब जब आपने स्टार्ट किया था और क्या प्राइस है अब जब चल रहा है? जब तो 10 रुपये रखा था। और अब क्या प्राइस है? 50 रुपये का। अब 50 रुपये है, तो तब 10 रुपये रखा था, अब 50 रुपये यहाँ के डोसे का प्राइस है। तो आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं आप? यही शॉप का करना चाहते हैं। तो इसी शॉप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी फ्रेंचाइजी वगैरह खोलना चाहते हैं आप या फिर? नहीं भाई, इतना ही चाहिए। अच्छा, मतलब इतना ही सही है, यानी कि फिर भी आप और बढ़ना तो चाहते ही होंगे ना आगे जीवन में? और ऊपर वाले की मर्जी। तो कहने का मतलब देखिए, कितने डाउन टू अर्थ बंदे हैं, और इन्होंने बोल दिया कि और ऊपर वाले की मर्जी, जिस भी तरीके से ये चाहें, ऊपर वाला जितना देना चाहे उतना दे सकता है। तो काफ़ी अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये कस्टमर हैं जो डोसा खा रहे हैं यहाँ पे, तो सर कैसा लगा आपको यहाँ का डोसा? डोसा खा के बहुत अच्छा लगा, और हमेशा हम यहीं पाते हैं। तो टेस्ट आपको कैसा लगा? टेस्ट बेहतरीन वाला टेस्ट है। सो भैया ने बोला है कि एक नंबर का टेस्ट है, और भैया ने फिनिश कर दिया है पूरा का पूरा, और काफ़ी अच्छा इन्होंने रिव्यू दिया है। तो साउथ इंडियन डोसा मुजफ्फरनगर ज़रूर विजिट कीजिएगा आप।